आइए कुछ डेसिमल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स। तो पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एवरी फ्रैक्शन p by q can be expressed as a decimal, if the decimal expression of p by q terminates, that is comes to an end, then the decimals show obtained is called terminating decimal. Terminating decimal. Example 1/4, 5/8, 13/5, 27/20, and so on. So when 1/4 is expressed in decimal form, we get 0.25. 5/8, 0.86 = 48, 250, 2020, 8 = 16, 440, 8 = 40, 0.625. 13/5 = 5, 2 = 10, 2.30, 5/6 = 36. 27/20 = 21 = 20, 27 - 20 = 7, 7 is less than 20, so put decimal, then 7 = 70, 23 = 60, 10 = 125. See, in हर केस में क्या देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन में सारे खत्म हो जाते हैं। जैसे पहले केस में 2 डिजिट में फिनिश हो गया, दूसरे केस में 3 डिजिट डेसिमल प्लेसेस में एंड हो गया, तीसरे केस में 1 डेसिमल प्लेस में एंड हुआ, चौथे केस में 2 डेसिमल प्लेस में एंड हुआ। तो जब फ्रैक्शन p बाई q का फॉर्म डेसिमल एक्सपेंशन में एंड कर जाता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो इसके नियम है कि डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 और 5 में होता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। मीन्स इफ टाइम
फैक्टोराइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर इज टू और फाइव एंड टू एंड फाइव, टू एंड फाइव यानी प्राइम फैक्टराइजेशन डेसिमल, प्राइम फैक्टराइजेशन डेनोमिनेटर का अगर टू के फॉर्म में हो, फाइव के फॉर्म में हो, या टू और फाइव के कंबाइंड फॉर्म में हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो जब कभी भी फाइंड करना हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, तो गिवन फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइव या टू और फाइव के कंबाइंड फॉर्म में आएंगे तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। सेकेंड है रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल है ए डेसिमल, ए डेसिमल इन व्हिच, इन इन व्हिच ए डिजिट, ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट्स रिपीट्स पेरियोडिकली, पेरियोडिकली रिपीट्स पेरियोडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल। एग्जाम्पल 2/3 दैट इज 0.666 अप टू इनफाइनाइट, 3/11 दैट इज 0.2727 डॉट डॉट डॉट, 11/6 1.833 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में सिंगल डिजिट का रिपीटेशन है, सेकेंड केस में टू डिजिट का रिपीटेशन है और थर्ड केस में वन डिजिट का रिपीटेशन है। तो यहां डिजिट इंट न करके रिपीट करना, रिपीट कर दे तो ऐसे फ्रैक्शन को रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। और नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेड, लेंथ ऑफ ए पीरियड, लेंथ ऑफ ए पीरियड, नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेड इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पीरियड, लेंथ ऑफ पीरियड। तो जितने डिजिट रिपीट करते हैं उसको लेंथ ऑफ पीरियड कहते हैं। और इसके लिखने का तरीका है फर्स्ट एग्जांपल में तो 0.6 टू द रेकरिंग,
सेकेंड केस में 0.27 रेकरिंग, रेकरिंग या बेनुकुलम या डैश जिसे बोलते हैं ना वो दे देते हैं जितने रेट रिपीट करते हैं। थर्ड केस में 1.833 रेकरिंग, जितने रेट रिपीट करते हैं उसके ऊपर एक लंबा डैश खींच देते हैं जिसे बेनुकुलम कहते हैं या फिर उसको रेकरिंग कहा जाता है। ये रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल दो हुए। तो रिपीटिंग डेसिमल में क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन इफ प्राइम, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर इज अदर देन 2 और 5, अदर देन 2 और 5 देन द given fraction is called repeating decimal, repeating decimal। तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें 2 या 5 हो या ना हो, लेकिन उसके अलावा कोई प्राइम नंबर अगर आ गया जैसे 3, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, तो ऐसे गिवन फ्रैक्शन को रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। यही यहां पर सीखने की चीज है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रैशनल नंबर के, जिसको अगले वीडियो में दिखाया जाएगा।